शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा पहला सत्संग है, थोड़ा मैं नर्वस भी हूँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई एग्ज़ाम देने जाता था ना, तो धड़कन थोड़ी तेज़ हो जाती है, तो हल्का हल्का मुझे ऐसा फील हो रहा है। गुरुजी से मैं जुड़ा 2020 फरवरी 2 को। 2019 में मैंने घर लिया चंडीगढ़ में, मेरे मदर बैंक से रिटायर्ड थे तो मैंने एक लोन लिया, जॉब करता था, नॉर्मल लाइफ चल रही अच्छी खासी। जब भी कभी दिल्ली जाना तो गाड़ियों के पीछे गुरुजी, जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी दिखता, तो कई बार ऐसा लगता था साइन बोर्ड कम है पर जय गुरुजी ज़्यादा है, तो क्यूरियोसिटी होती थी कि क्या है ये गुरुजी। आंटी साथ होते थे तो बोलना कि सुमन चेक कर यार ये गुरुजी क्या है, हर गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ है ऐसा है। तो पहले तो हम इग्नोर कर देते थे, पंजाबी फैमिली है, गुरु ग्रंथ साहब आके मत्था टेकना, तो कोई बात नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिखा होता है, हर एक ने कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो हमने कहा दिल्ली की संगत जय गुरुजी लिखती है। फिर धीरे धीरे चंडीगढ़ में भी कभी देखना ऑफिस से आते हुए गाड़ी के पीछे दिखना शुरू हो जाना जय गुरुजी, जय गुरुजी। कभी किसी शॉप पे जाना तो एंट्री पे भी लिखा होना ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई तो आंटी को भी मैंने बोला कि यार हर जगह दिखते हैं ऐसे गुरुजी, तो एक बार चेक करना। तो फिर आंटी ने एक बार चेक किया सारा कि इस तरह से गुरुजी थे पंजाब से जिनका दिल्ली में मंदिर है। तो बस फिर ऐसे ही बस इतना ही डिस्कशन होता था। एक दिन हम आंटी का बर्थडे होता है 28 जनवरी को, तो हम एक सैलून में बैठे हुए हेयर कटिंग ले रहे हैं, ये चेयर पे बैठी हुई और मैं वहाँ बैठा, कुछ आंटियाँ थी उनकी बातें सुन रहा था, वो सत्संग शेयर कर रही थी एक दूसरे के साथ, तो वो गुरुजी को ही मानते थे। फिर दिमाग में आया यार ये भी गुरुजी को मान रहे हैं, चंडीगढ़ में यहाँ सत्संग हो रहे हैं, संगत यहाँ भी लग रही है, तो मैं पूछता हूँ कि है कहाँ पे गुरुजी। तो मैंने कहा आंटी जी ये गुरुजी कहाँ पे हैं, मिलना हो कैसे हो सकता है। कहते गुरुजी का मंदिर, बड़ा मंदिर जो है वो न्यू दिल्ली में है और डुगरी में भी है, पर जाओगे तभी जब गुरुजी बुलाएंगे। मैंने कहा अच्छा ये भी है। तो 28 जनवरी को बर्थडे सेलिब्रेट किया और 2 फरवरी को हम गुरुजी के बड़े मंदिर में थे। वो गुरुजी ने ही बुलाया था, जैसे उन आंटी ने बोला कि जब तक गुरुजी ना बुलाएं कोई यहाँ नहीं आ सकता। तो चंडीगढ़ से ड्राइव शुरू करी सर्दियों के दिन, इवनिंग के टाइम में पहुँचे, तो पहले फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा लगा यार कहीं गलत आ गए, क्योंकि जिधर से GPS ले जाए कई बार ऐसे उजाड़ दिखे, रोड गलत दिखे। तो मैं आंटी को बोल रहा हूँ यार गलत आ गया लगता, वापस चलते हैं, अंधेरा बहुत हो रहा है। तो वो कहती हाँ लग तो ऐसे ही रहा है कि कहीं और ही आ गए हैं, क्योंकि इतने बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, मंदिर ऐसे नहीं हो सकता इधर। ये डिस्कशन चल ही रही है और आगे से सेवादारों ने बेल्ट पहनी हुई है और दूर से ही हाथ हिलाते हिलाते बोल रहे हैं इधर को, इधर को, इधर को चलो, इधर जय गुरुजी, जय गुरुजी। वो करते करते हमें सीधे बड़े मंदिर की पार्किंग में ले गए। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, मतलब वो पार्किंग एरिया से ही एक गुलाब की खुशबू जो है ना, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि जहाँ जो लोग जूते उतार रहे हों, रेस्ट रूम बने हों, वहाँ गुलाब की खुशबू मिले। जितनी देर मैं घूमता रहा गुलाब, ऐसे लग रहा था कि मैं मतलब पूरा गुलाब से ही हूँ, और इतनी खुशबू, हर तरफ खुशबू और पॉजिटिविटी लगे, तो एक अलग ही ऑरा वहाँ पे महसूस होना शुरू हुआ। गुरुजी ने जहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है वहाँ बिठाया हमें, और स्वरूप ऐसे दीवान लगा हुआ था गुरुजी का, हम बैठे वहाँ, माथा टेका, 10-15 मिनट वहाँ बैठे, तो इतनी ब्लेसिंग्स फील हुई, ऐसा लगा कोई बैठा हुआ है हमें देख रहा है ऐसे। तो हम बातें करते हुए ही चंडीगढ़ वापस आए गुरुजी की, हम बहुत अच्छा लगा, ब्लेसिंग्स इस तरह से। उस दिन के बाद ऐसा लगा कि जैसे कहते हैं ना गेम पलट गई सारी, रह तो पहले से भी अच्छे से रह रहे, 2-person 3-bedroom अपार्टमेंट में, अच्छी IT में, MNC में जॉब कर रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और घर का लोन ज़रूर था पर कुछ ऐसा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा था। तो मदर की वजह से लोन मिल गया, उन्होंने 30 years का टेन्योर बना दिया, क्योंकि वो कहते आराम से करते रहना यंग हो। तो मेरे आंटी बोलते हैं हम ऐसा करेंगे, हम 30 का इन्होंने बनाया, हम 15 में ख़त्म कर देंगे इसको। मैंने कहा हाँ हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक दिन ऐसे बैठे बैठे मैंने शायद गुरुजी को बोल दिया गया है, गुरुजी यार ये लोन ख़त्म करना है कि 15 में करना, आंटी बोल रही है। आप यकीन मानो संगत जी, 1 साल के अंदर वो लोन ख़त्म है, वो लोन ख़त्म है। मेरे मदर मेरे होम टाउन में रहते हैं, वहाँ पे हमारा घर कोठी बनी हुई थी, पुराने स्टाइल में बनी होती है, तो ऐसे ही दिमाग में आ गया, मदर कहते थोड़ा चेंज कर लेते हैं आजकल नए चल रहे हैं। मैंने कहा कर दो,
पता ही नहीं चला वो कब पूरी तैयार होगी, उसी एक साल के बीच बीच में ही। सेहत मेरे आंटी की कई बार डाउन हो जाती थी, उसको एसिडिक प्रॉब्लम होती थी जिससे अल्सरेशंस हो जाती थी। डॉक्टर ने चाय बंद कर दी, कॉफ़ी बंद कर दी, खाना भी आपको एक चपाती खानी है वो भी थोड़ी थोड़ी देर बाद खाओ, पूरी नहीं खानी। तो आंटी ने भी ऐसा आप दिन में 3 चपाती खानी शुरू कर दी, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट की। पर जब भी कभी अभी गुरुजी का लंगर खाना है तो 2-2, 3-3 और पता ही नहीं चलता कि वो खा रही है। इतना उसको महसूस होता है कि यार ऐसा लग रहा है और भूख लगी हुई है और मिले कुछ और मिले खाने के लिए। इतना शुक्राना गुरुजी का कि जॉब के साथ साथ प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए बिज़नेस के लिए भी। पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से गुरुजी आ रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा था, फिर से एकदम से जॉब ऑफर आ गया। तो मैंने मजाक मजाक में इंटरव्यू दिया, मैंने कहा गुरुजी दे देते हैं कोई बात नहीं, और इतना हाइक कौन देगा ऐसे फालतू में, मैं भी बोल देता हूँ करनी तो है नहीं। मैंने उनसे 120% हाइक मांग दिया और उन्होंने मुझे 120% हाइक दिया। घर पे बैठे हुए मैंने आंटी को बोला कि सत्संग सुनते हैं, कई बार फ़ोन पे किसी का सत्संग शेयर होता है कभी किसी का, मैं एक छोटा सा स्वरूप गुरुजी का घर पे लाना चाहता हूँ। तो मैं जहाँ मेरा वर्क स्टेशन काम करता था, मैंने एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप ला के वहाँ पर रखा। पिछले 5 साल से मैं US के लिए ट्राई कर रहा था। पहले मैं आया था 2017 में, उसके बाद बड़े कंसल्टेंट्स को पैसे भी दिए बीच में कभी किसी चीज़ के लिए किसी के लिए, पर हुआ नहीं। वो स्वरूप लाने के 1 महीने के बाद आई डोंट नो कहाँ से मेल आती है, कॉल आती है कि आप US ट्रैवल कर सकते हो। मैंने कहाँ कर सकता हूँ, अक्टूबर में बात चल रही है, नवंबर में मेरी टिकट्स हो चुकी थी, फाइनल हो चुका था कि मैं गुरुजी के इधर US में आ रहा हूँ। 24 दिसंबर, एक दिन पहले क्रिसमस है, मैं US में लैंड कर गया, और ये सिर्फ गुरुजी की वजह से ही। और इतनी उन्होंने बख्शा है, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स है, कहते हैं ना कि जो हो रहा है वो तो अच्छा, जो नहीं हो रहा वो और भी अच्छा। तो पहले कई बार लगता था यार मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, शायद कहाँ रह गई ऑब्जेक्शन है या क्या दिक्कत है, पर अब लग रहा है कि जो नहीं हो रहा वो गुरुजी देख रहे हैं कि ये होना ही नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा बेटर होना है। तो आराम से बैठो, इन्जॉय करो, ब्लेसिंग्स लो और शुक्राना करते रहो। तो अब यही रूटीन है, सुबह उठो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और ब्लेस्ड हैं पूरे यहाँ पे आके। जय गुरुजी संगत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।